नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में। आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जितने भी प्रिंसिपल हैं या फिर जो कंप्यूटर से रिलेटेड कर्मचारी हैं इंटर कॉलेज में, तो वहां पे एक बड़ी अपडेट आई है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बड़ी अपडेट ये है कि प्रधानाचार्य अपने विद्यालय से संबंधित उत्कृष्ट मतलब बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पर लिख के आ रहा है फोटो 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें। और यहाँ पर एक निर्देश दिया गया कि प्रधानाचार्य कृपया अपने विद्यालय से संबंधित फोटोग्राफ और विशेष उपलब्धियों का विवरण करें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी नोटिस आई है इसका मतलब ये है कि अभी तक जितने भी फोटोग्राफ्स अपलोड हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये नोटिस दी गई है कि जो क्वालिटी में ठीक नहीं था फोटो उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है और जो बेहतरीन क्वालिटी का फोटो था उसी को एक्सेप्ट किया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चल के देखते हैं कि कौन कौन से फोटो यहाँ पर रिजेक्ट किए गए हैं और क्या अपडेट उसमें नया दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको लॉग इन करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि आप नोटिस देख सकते हैं, इस नोटिस में लिख के आ रहा है साफ साफ कि प्रधानाचार्य कृपया अपने विद्यालय से संबंधित फोटोग्राफ दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही अपलोड करें। अब निर्देश क्या है? निर्देश ये है कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी फोटोग्राफ का साइज मतलब कुल मिला के बात यहाँ पर हो रही है कि जो भी फोटो अपलोड करना है उस फोटो में साइज कम से कम 100 KB का और अधिकतम 300 KB का होना चाहिए, ठीक है, और इससे ज्यादा या कम भी नहीं होना चाहिए। और फोटो जो है फॉर्मेट वो आपका JPG में ही रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर कि फोटो जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो भी सेंड किया गया फोटो उसको अपलोड नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि काफी सारे लोग, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे फोटोज जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू अपलोड किया गया है और उसी को यहाँ पर दिया गया है। और फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कोई फोटो हो गया, ठीक है, उस फोटो को हम कैसे साइज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर 100 KB से 300 KB के बीच अब बोल रहा है और JPG फॉर्मेट में पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप यहाँ पर वेबसाइट सर्च करेंगे, क्या है वेबसाइट, इस पर आप जाके फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, जिसका नाम है iLovePDF। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम जो पहला जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप PDF को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट में बदल सकते हैं, एक्सेल में बदल सकते हैं, और भी आप देख सकते हैं वर्ड से PDF में बदल सकते हैं और पावर पॉइंट को PDF में बदला जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, JPG से PDF बदल सकते हैं और PDF फाइल में अगर कोई फोटो है तो उसको JPG में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये तो हो गया ऑनलाइन तरीका, इसके थ्रू आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मानते हैं कि यहाँ पर आपका कोई इमेज हो गया, ठीक है, उस इमेज को आपको कन्वर्ट करना अपलोड करना है। तो यहाँ पर जैसे फोटो 1 में आपको समस्या हो रही है, आपको फोटो जाके यहाँ पर सिलेक्ट करना है, देन आपको अपलोड वाले पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि फोटो को हम रिसाइज करेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, फोटो को रिसाइज करने पर वीडियो मैंने आपको बता दिया है, वहां पर जाके उसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, समस्या होती है कि सर उसमें हमको समझ में नहीं आया है, दोबारा से बता दीजिए, वो ओल्ड सॉफ्टवेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, घबराने की आप कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर नया बिल्कुल मेथड आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक फोटो के माध्यम से आपको सिखाता हूँ कि फोटो को हम रिसाइज करेंगे कैसे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज ले ली है। तो यहाँ पर ये इमेज आप देख सकते हैं, इस इमेज का जो साइज है वो आप देख सकते हैं कि 1.10 MB का दिया हुआ है। अब इस इमेज को मुझे रिसाइज करना है, साइज में छोटा करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद माउस पर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक पॉपअप आ जाता है। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है, नीचे आना है और ओपन विथ, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ओपन विथ पर जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर फिर से आपके सामने कुछ ऐसा पेज आता है और उसके बाद आप यहाँ पर पेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप पेंट वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी इसको रिसाइज किया जा सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे मेथड है जहां से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो मैं फोटो को यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिसाइज का, ठीक है, तो इस रिसाइज वाले पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+W क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप इस पर क्लिक हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है परसेंटेज में, तो 100 100 का लिखा है। तो अभी आपका फोटो का साइज कितना था, 1.1 MB का था, तो हमें इसको 100 से 300 KB के बीच में करना है। तो हम यहाँ पर इसका साइज जो है कितना घटा देंगे, यहाँ पर हम इसको
कर देंगे कितना, यहाँ पर हम इसको करेंगे फ्रेंड्स 50% कर देते हैं, तो 50% ये कम हो जाएगा। देन आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखने में आ रहा है कि ये फोटो का साइज कुछ कम हो गया है, ठीक है, और अभी भी आपको लगता है कि इसमें और हमें साइज में कमी करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसी साइज में कम कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 60 और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइल पर आना है, यहाँ पर आने के बाद इसे सेव एज कर लेना है। सेव एज कैसे करना है, जेपीजी में, क्योंकि फोटो आपको जेपीजी में ही अपलोड करना है। फ्रेंड्स तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ये साइज हो चुका है, देन आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसका कुछ नाम दे देंगे फाइल का, तो अब उसको हम चलिए सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब चलिए हम इस इमेज को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस इमेज का साइज कितना कम हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 295 KB का हो चुका है और अब इसकी क्वालिटी भी आप चेक करेंगे तो क्वालिटी भी ठीक होगा। देन उसके बाद आप जाके यहाँ पर UPMSP की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहां से फोटोग्राफ्स को आसानी से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक फोटो दिख के आ रहा है कि पुस्तकालय की फोटो, तो यहाँ पर इसमें डिलीट का बटन भी शो कर रहा है, इसका मतलब ये फोटो फिर से डिलीट करके अपलोड करने वाले, क्योंकि ये व्हाट्सएप की फोटो है और व्हाट्सएप की फोटो आपको अपलोड नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम UPMSP पर जाकर जो इमेजेस हैं क्वालिटी कम है, ठीक है, या ज्यादा है, या व्हाट्सएप के थ्रू आया है, उसमें हम कैसे सुधार करके अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।